साल 1940, इतिहास का वो साल जब MGM स्टूडियोज के द्वारा बनाया गया एक ऐसा एनिमेशन अस्तित्व में आया जिसे आपने तो अपने बचपन में खूब देखा ही होगा और शायद आपके फादर से लेकर ग्रैंडफादर ने भी उस एनिमेशन को अपने वक्त में जरूर देखा होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द टॉम एंड जेरी शो की। टॉम एंड जेरी अमेरिकन एनिमेशन में से एक बहुत मशहूर फ्रेंचाइज है जिसका नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आती है और एक ऐसा शो जिसने बिना किसी डायलॉग के सिर्फ एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर इस दुनिया के करोड़ों लोगों को हंसाया। उस शो के बारे में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या टॉम एंड जेरी का नाम हमेशा से टॉम एंड जेरी ही था? किसने बनाया था इस शो को? साल दर साल क्या क्या बदलाव आए टॉम एंड जेरी के कैरेक्टर्स में? ऐसे ही और भी कई मजेदार सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेट्स बिगिन। ये बात है उन दिनों की जब अमेरिका में टीवी ज़्यादा लोगों के घरों में नहीं होते थे और सभी प्रकार के फिल्म्स को डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज किया जाता था। साल 1924 में MGM नाम की एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई और साल 1940 में MGM कंपनी अपनी एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म के लिए पूरे अमेरिका में फेमस हो गया, जिस एनिमेशन फिल्म का नाम था पुस गेट्स द बूट। विलियम हन्ना एंड जोसेफ बारबेरा ये वही दो शख्स हैं जिन्होंने टॉम एंड जेरी शो को सबसे पहले MGM स्टूडियो में काम करते हुए बनाया था। अब यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, जब विलियम हन्ना एंड जोसेफ बारबेरा ने मिलकर ये शो बनाया था तब टॉम का नाम जैस्पर था और जेरी का नाम जिंक्स था। लेकिन कुछ समय बाद ही जब पुस गेट्स द बूट लोगों को काफी पसंद आने लग गया तब विलियम हन्ना एंड जोसेफ बारबेरा ने जैस्पर एंड जिंक्स का एक यूनिक नाम रखने का सोचा और इसके लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के सामने एक कंपटीशन रखा जिसमें शॉर्ट फिल्म पुस गेट्स द बूट के दोनों मेन कैरेक्टर्स का एक यूनिक नाम बताने वाले को $50 देने का वादा किया गया और इस कंपटीशन के रिजल्ट में जो नया नाम चुना गया वो था टॉम एंड जेरी। एक्चुअली टॉम एंड जेरी नाम के कैरेक्टर्स 1940 से भी पहले बने एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म में एक बार यूज किया जा चुका था जिसमें दो दोस्त होते हैं टॉम एंड जेरी नाम के। फर्क इतना है कि वो दोनों इंसान थे और MGM कंपनी के द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स एनिमल्स थे, जैसा कि आपको पता ही है एक कैट है और दूसरा माउस। जब बिल्ली और चूहे का नया नाम चुन लिया गया उसके बाद विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा ने सेकंड शॉर्ट फिल्म रिलीज की जिसका नाम था द मिडनाइट स्नैक और ये वो पहली शॉर्ट फिल्म बनी जब टॉम एंड जेरी अपने रियल नेम के साथ दुनिया के सामने दिखाए गए। जैसा कि आपको पता है टॉम को बोलते हुए कभी भी नहीं दिखाया जाता, पर एक दो गिने चुने शॉर्ट्स में टॉम को बोलता हुआ दिखाया गया था जिसमें टॉम एंड जेरी टेल्स का एपिसोड लीग ऑफ कैट्स एंड टॉम एंड जेरी द मूवी शामिल है। ऑस्कर अवार्ड्स के साथ तहलका। जब टीवी का जमाना नहीं था, जब हर एक फिल्म चाहे 2 घंटे की लॉन्ग फिल्म हो या 7 मिनट की एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सबको थिएटर्स में ही रिलीज किया जाता था, उस समय ऑस्कर अवार्ड जीतना किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती थी एंड जितना आप सोचते हो उससे भी कई गुना ज्यादा रेस्पेक्ट मिला था टॉम एंड जेरी के शॉर्ट फिल्म को। 1940 से 1954 के बीच टॉम एंड जेरी के 14 फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया जिसमें से 7 ऑस्कर टॉम एंड जेरी शो ने जीते भी। शायद आपको नहीं पता 1940 में ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी बात होती थी और अपने टॉम एंड जेरी ने तो 7 ऑस्कर जीत भी लिए थे। 1992 टॉम एंड जेरी द मूवी, वाज इट अ फेलियर और सक्सेस? यदि आप टॉम एंड जेरी के सबसे बड़े फैंस में से एक हो तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। जैसा कि आपको पता है टॉम एंड जेरी की शॉर्ट फिल्म्स के साथ साथ कई फुल लेंथ मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं और गुड न्यूज ये है कि टॉम एंड जेरी की एक न्यू मूवी आने वाली है जो कि एक लाइव एक्शन मूवी होगी और उसमें मेन अट्रैक्शन टॉम एंड जेरी होंगे। कई आर्टिकल्स के अनुसार ये मूवी दिसंबर 2020 में ही रिलीज होने वाला था बट पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है जिसके कारण दुनिया भर में इस साल बहुत कम मूवीज ही रिलीज की जा रही हैं।
हैं, और इसलिए टॉम एंड जेरी की ये लाइव एक्शन मूवी 2020 की जगह अब 2021 में रिलीज किया जाएगा। एंड इंडिया में तो इस मूवी को रिलीज होने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। गुड न्यूज सुन लिया हो तो वापस आते हैं पॉइंट पर। साल 1992 में टॉम एंड जेरी की जब फर्स्ट फुल लेंथ मूवी रिलीज हुई, तब इस मूवी ने थिएटर्स में तहलका मचा दिया, जो लोगों को पसंद भी आई। लेकिन कमर्शियल रूप से ये मूवी एक फेलियर बनकर रह गई। लोग इस मूवी को काफी जल्द भूल गए। धीरे धीरे टॉम एंड जेरी द मूवी लोगों के सामने से गायब होता गया, और इसका एक ही रीजन था, वो था दोनों कैरेक्टर्स में किए गए कुछ बदलाव। एक्चुअली पहले के शॉर्ट फिल्म्स में टॉम एंड जेरी साइलेंट रहते थे एंड बैकग्राउंड में फनी साउंड चलता रहता था, है ना। लेकिन इस मूवी में टॉम एंड जेरी गाना गाते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। एंड सो डिफरेंट थिंग्स आप इस मूवी में देख पाओगे जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। इसलिए ये मूवी काफी कम समय तक थिएटर्स में दिखाया गया, जिसके कारण ये मूवी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाई। द इवोल्यूशन ऑफ टॉम एंड जेरी। गोल्डन ईरा हन्ना बारबेरा 1940 से लेकर 1958 तक। वक्त बीतने के साथ साथ जहां जेरी द माउस में बहुत कम चेंजेस आए, वहीं टॉम का फेस और स्ट्रक्चर काफी चेंज होता गया। पहले टॉम का फेस ज्यादातर गोल लगता था, बट साल दर साल टॉम के फेस एंड बॉडी में कई चेंजेस किए गए। माना जाता है कि 1940 से 1958 तक टॉम एंड जेरी का गोल्डन ईरा था, क्योंकि इस समय अंतराल में सभी शॉर्ट्स हन्ना और बारबेरा ने मिलकर बनाए थे, और 1940 से 1958 के बीच उन्होंने मिलकर टोटल 114 शॉर्ट्स बनाए थे। 1958 में हन्ना और बारबेरा ने MGM स्टूडियो छोड़ दी, जिसके बाद उन्होंने इसके शॉर्ट्स नहीं बनाए। उसके बाद 1961 में टॉम एंड जेरी के न्यू एपिसोड्स 2 साल तक जीन डीच के डायरेक्शन में बनाए गए। जीन डीच 1961 से लेकर 1962 तक। 1962 तक जीन डीच के नेतृत्व में टॉम एंड जेरी के 8 शॉर्ट्स बनाए गए, जो कि ओरिजिनल से थोड़े हटकर थे। इनमें घर के अंदर के साथ साथ बाहर की भी जगहें दिखाई गई थी, और ये 8 शॉर्ट्स कमर्शियल रूप से काफी सक्सेसफुल भी रही। मैं जब कमर्शियल रूप से कहता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है कि उन शॉर्ट्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। आई होप यू गॉट इट। चक जोन्स 1963 से 1967 तक। जब जीन डीच ने टॉम एंड जेरी बनाना छोड़ दिया, तब 1963 से 1967 तक टॉम एंड जेरी के 34 शॉर्ट्स बनाए चक जोन्स ने। यहाँ भी दोनों कैरेक्टर्स में बदलाव किए गए। टॉम के फर ग्रे रंग का हो गया और उसके कान भी शार्प कर दिए गए, पूंछ लंबी कर दी गई, आईब्रोज में बदलाव किए गए और जेरी के कान बड़े कर दिए गए। अब एक फन फैक्ट सुनो, आपने MGM के इंट्रो लॉगो में शेर को दहाड़ते हुए देखा होगा, पर इस पीरियड के बीच टॉम एंड जेरी के रेस्पेक्ट में MGM के इंट्रो लॉगो में एक बार टॉम को दिखाया गया था। इजंट इट अमेजिंग। हन्ना बारबेरास द टॉम एंड जेरी शो 1975 से लेकर 1977 तक। 1967 के बाद टॉम एंड जेरी के शॉर्ट्स नहीं बनाए गए, लेकिन आखिरकार एक बार फिर 1975 में टॉम एंड जेरी के ओरिजिनल निर्माता हन्ना एंड बारबेरा ने मिलकर 48 नए शॉर्ट्स बनाए, जो 7-7 मिनट के थे, और इनको टेलीविजन पर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट किया गया। बट 1977 के बाद टॉम एंड जेरी के कोई न्यू शॉर्ट्स नहीं बनाए गए। फिल्मेशन स्टूडियोज 1980 से 1982 तक। 3 साल बाद फिल्मेशन स्टूडियोज ने टॉम एंड जेरी का प्रोडक्शन काम संभाला और न्यू शॉर्ट्स बनाए। 1982 के बाद 8 साल तक टॉम एंड जेरी का काम बंद ही रहा, एंड 1990 में आया एक नए अंदाज में टॉम एंड जेरी का छोटा रूप, टॉम एंड जेरी किड्स 1990 से लेकर 1994 तक। इस पीरियड में टॉम एंड जेरी को छोटे बच्चे का रूप दे दिया गया, और कुछ पुराने कैरेक्टर्स को भी ऐड किए गए, जिसमें स्पाइक, टाइक, ड्रूपी और ट्रिपल शामिल थे। अगेन 1994 के बाद टॉम एंड जेरी की कोई न्यू शॉर्ट्स नहीं बनी, और 2006 में वार्नर ब्रोस ने टॉम एंड जेरी का प्रोडक्शन किया। वार्नर ब्रोस टॉम एंड जेरी 2006 से लेकर 2008 तक। वार्नर ब्रोस ने टॉम एंड जेरी टेल्स के नाम से 13 सीरीज को प्रोड्यूस किया, जो काफी मस्त सीरीज थी। 2008 के बाद टॉम एंड जेरी के न्यू एपिसोड के प्रोडक्शन को फिर बंद कर दिया गया, और एक बार फिर इस शो को टॉम एंड जेरी शो के नाम से जीवित किया गया और न्यू शॉर्ट्स बनाए गए। वार्नर ब्रोस द टॉम एंड जेरी शो 2014 से लेकर अब तक। टॉम एंड जेरी के न्यू शॉर्ट्स में ओरिजिनल शॉर्ट्स का तड़का और मॉडर्न वर्ल्ड के गैजेट्स को देखा जा सकता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज कही जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉम एंड जेरी की एक लाइव एक्शन कॉमेडी मूवी 2020 में आने वाली थी, बट अभी COVID-19 के कारण उसे 2021 में रिलीज किया जाएगा, और इस मूवी का प्रोडक्शन वार्नर ब्रोस ही करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो का पार्ट 2
आए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप टॉम एंड जेरी के ट्रू लवर हो तो इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और आप इस वीडियो के पार्ट 2 में क्या क्या जानना चाहते हो कॉमेंट करके जरूर बताना। टिल देन दिस इज राजा साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग।